लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांक आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो एक नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं HP Pavilion EG 30360U। ये जो मॉडल है आता है 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन सा मॉडल है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो दोस्तों ये है HP Pavilion 30360U जिसका प्रोसेसर i7 1360p है, 13 जनरेशन में। जी हाँ, 13 जनरेशन में है ये। HP ने लॉन्च कर दिया है अप्रैल 2023 के अंदर। 1TB की SSD इसमें आपको मिलती है और 16GB की RAM है, फिंगरप्रिंट रीडर है, 250 nits की स्क्रीन है। तो चलिए दोस्तों आज हम इस लैपटॉप को अनबॉक्स करेंगे। कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। हम इस लैपटॉप के बैक पैनल को भी आपको ओपन करके दिखाएंगे, आप क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल लैपटॉप मास्टर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स। तो दोस्तों लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है, वही नॉर्मली जो चार चीजें लैपटॉप के साथ आती है, मैनुअल, प्रीमियम पावर कोर्ड और आपका 65 वाट का एडेप्टर। मतलब मैं यही कहूंगा आप तो HP को भी इस लैपटॉप में भी टाइप सी एडेप्टर शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मार्केट से टाइप सी एडेप्टर अवेलेबल होता है। ये है हमारा लैपटॉप। मैं पर्सनली कहूं मुझे Pavilion सीरीज की जो लैपटॉप आते हैं उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप लैपटॉप को देखेंगे मेटल बॉडी में ये लुक आपको मिलती है। 12 जनरेशन की भी ऑलमोस्ट सेम ही लुक है जो आपकी 13 जनरेशन की है, डिफरेंस प्रोसेसर का आपका इसमें आ जाता है। आप देखेंगे स्लिम, बहुत ही स्लिम लैपटॉप है ये। वेंट दे रखा है कूलिंग के लिए रबड़ के साथ। ये रबड़ मैंने आपको पहले बताया, ये थोड़ा सा आपके लैपटॉप को जब आप डेस्क पे रखते हैं तो थोड़ा सा हवा में रखती है, जिससे जो इससे आपकी हीट निकलती है वो पास आउट हो जाती है जब हम यूं रखते हैं। तो लैपटॉप की स्लीकनेस बहुत ही बढ़िया है। लैपटॉप को ओपन करते हैं दोस्तों और हम देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन। उससे पहले देखते हैं लैपटॉप में कौन कौन से पोर्ट्स हैं। लैपटॉप के पोर्ट्स देखते हैं, HP ने इसमें लैपटॉप के पोर्ट्स कौन कौन से दिए हैं। लेफ्ट साइड में देखते हैं लैपटॉप के जो पहला पोर्ट्स आपको दिखाई देता है वो चार्जिंग जैक है लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। उसके बाद आपको मिलता है USB सुपर स्पीड आपका डाटा ट्रांसफर करने के लिए या आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस है। तीसरा आपको एक स्लॉट दे रखा है, वो आप जो दिखाई देगा वो आपके लॉक के लिए होता है। अगर आपको फिजिकली लॉक करना है लैपटॉप को तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। जो राइट साइड में दे रखा है अगर आप पहला पोर्ट देखेंगे तो वो आपका HDMI है, HDMI 2.1 आपको पोर्ट मिलता है प्रोजेक्टर या LED TV कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद एक और आपको USB सुपर स्पीड मिलता है, एक हमारे लेफ्ट में एक हमारे राइट में, और एक आपको मिलता है टाइप सी जो आपका 10 GBPS सिग्नल रेट के साथ आपको इसमें HP देता है। और इसके जो अगला पोर्ट है वो आपका है 3.5mm का ऑडियो जैक जिससे आप हेडफोन माइक या स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये लैपटॉप HP विंडो 11 SL के साथ देता है और इसके अंदर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट एडिशन आता है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है। विंडो और MS ऑफिस दोनों आपके लाइफ टाइम के लिए रहती है लैपटॉप के साथ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रोसेसर। सबसे पहले आप इसमें देखते हैं 13 जनरेशन इंटेल कोर i7 1360p। इसमें प्रोसेसर है, बेस स्पीड की आप बात करेंगे तो 2.2 GHz है और टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ अगर आप बात करते हैं तो ये बूस्ट अप होके 5 GHz तक जाता है, 5 GHz तक। जो इससे पहले 1240p प्रोसेसर आता था वो 4.7 GHz तक जाता था। 1240p और 1340p में सिर्फ यही डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है वो यही है, अदरवाइज दोनों प्रोसेसर ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा सा इसके ग्राफिक्स की फ्रीक्वेंसी में फर्क है, वो 1.4 था, ये 1.5 है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोर्स। 12 कोर का प्रोसेसर है जिसमें 4 परफॉर्मेंस कोर है, 8 एफिशिएंट कोर है। परफॉर्मेंस कोर की हम बात करेंगे तो उसके अंदर जो मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी है वो 5 GHz है और एफिशिएंट कोर के अंदर जो मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी है वो है 3.7 GHz। L3 की कैशे की बात करते हैं, L3 कैशे 18 MB की आपको इसमें मिलती है और लॉजिकल प्रोसेसर 16 आपको इसमें मिल जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेमोरी 16 GB की इसमें रैम है, स्पीड 3200 MHz की। मैं यही अपील करना चाहूंगा, जब हम 13 जनरेशन पे जा रहे हैं, i7 प्रोसेसर है, तो एटलीस्ट मेमोरी भी DDR5 होनी चाहिए थी, जिससे स्पीड थोड़ी सी और बढ़ जाती। अदरवाइज हम पीछे 11, 12, 13 जनरेशन सब में देखते आ रहे हैं, मोस्टली सब में हमें 3200 MHz की रैम मिल रही है। दो स्लॉट्स हैं, दो के दो ऑक्यूपाइड है, क्योंकि इसमें इंटेल आईरिस एक्स ग्राफिक्स है। SSD की बात करते हैं, सैमसंग की इसमें SSD आपको मिलती है, 1 TB की SSD है, जिसकी कैपेसिटी आपको 954 GB 954 GB आपको मिलती है। वाईफाई की बात करेंगे, वाईफाई 6X आपको इसके अंदर मिलता है, और ब्लूटूथ जो है वो 5.3 आपको इसमें मिल जाता है। ग्राफिक्स GPU इंटेल आईरिस XE इसमें आपको ग्राफिक्स मिलता है, जिसकी कोई भी अपनी मेमोरी डेडिकेटेड मेमोरी नहीं है। हम बात करेंगे शेयर की, तो शेयर इसमें 7.8 GB है, और डेडिकेटेड इसमें आपको कोई नहीं मिलती। इंटेल आईरिस XE ग्राफिक्स है, जिसकी मैक्सिमम डायनेमिक परफॉर्मेंस में आपको कहूं तो वो 1.5 GHz है। HP इसमें 15.6 inches फुल HD IPS का डिस्प्ले देता है, एंटी ग्लेयर स्क्रीन है माइक्रो एज के साथ, ब्राइटनेस इसका 250 nits है, और अगर हम NTSC की बात करेंगे कलर गोमेट की, तो वो इसमें 45% आपको मिलता है, और स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलता है आपको 1920x1080। वेबकैम HP ने इसपे वाइड विजन 720p HD कैमरा दिया है, जो मेरे हिसाब से कम है, अब कम से कम 5 MP HP को देना चाहिए। इसके साथ टेम्पर नॉइस रिडक्शन भी आता है, और डुअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन आपको इसमें इंटीग्रेटेड मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय आ गया है लैपटॉप को ओपन करने का, फिजिकली ओपन यानी बैक पैनल ओपन करने का, जिसका आप सभी इंतजार करते हैं। नया लैपटॉप है, इसको अभी आज हम बैक पैनल ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है, तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं। यहाँ हमारा लगा हुआ है प्रोसेसर, जो i7 हमने देखा अभी, i7 प्रोसेसर है, p प्रोसेसर के साथ दो फैन आते हैं, क्योंकि ज्यादा परफॉर्मेंस होती है, हीट जनरेट करता है, इसलिए उसको कूलिंग के लिए दो फैन की जरूरत पड़ती है। बात करेंगे रैम की, यहाँ पे 8 GB की दो रैम लगी हुई है, आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, 16 GB से 32 GB तक आप लेके जा सकते हैं। ये हमारी 1 TB की SSD, आप इसको भी अपग्रेड करना चाहें तो आप इसको भी अपग्रेड कर सकते हैं 2 TB के अंदर। यहाँ हमारा वाईफाई लगा हुआ है, वाईफाई 6, ब्लूटूथ की बात करेंगे 5.3 हमारा ब्लूटूथ है, 3 सेल की बैटरी है ये हमारी, 41 वर्क आवर्स के साथ बैटरी आती है, और यहाँ पे दो स्पीकर्स इसमें आपको मिलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सारा मदरबोर्ड है जिसपे ये पूरा फिट है, सब कुछ इससे ही कनेक्टेड रहता है। तो दोस्तों बात करते हैं हम इसमें जो अपग्रेड की, तो हम इसमें लैपटॉप में सिर्फ रैम और SSD अपग्रेड कर सकते हैं, दोनों ही आप 32 GB तक लेके जा सकते हैं, SSD 1 TB से 2 TB तक आप लेके जा सकते हैं। दोस्तों आज हमने अनबॉक्स किया है HP Pavilion 15 EG 3036U जो i7 13 जनरेशन में है। देखिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा, इसके साथ साथ जो HP ने एक मॉडल और लॉन्च किया है वो है EG 3026TU, उसमें और इसमें दो अंतर है, वो i5 13 जनरेशन है, ये i7 13 जनरेशन है, वो 512 GB SSD के साथ है, और ये 1 TB SSD के साथ। लेकिन जिनकी वर्किंग फोटोशॉप पे और कोरल ड्रॉ पे कलर से रिलेटेड जिनकी भी वर्किंग है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा वो i7 पे ना जाए, वो i5 पे ही जाए। उसका भी एक रीजन है, HP ने यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक दिया है, इसकी स्क्रीन अगर हम sRGB की बात करते हैं कलर गोमेट की, तो सिर्फ 45% है, और इसके जो प्राइस में कम आता है, इससे अगर मैं लोअर वर्जन कहूँ EG 3026TU जो i5 के साथ है, उसके अंदर जो sRGB है वो 100% है। यहाँ पे मैं HP से यही कहना चाहूंगा कि जब आप उसको अपग्रेड कर रहे हैं, i5 से i7 लेके जा रहे हैं, आप स्टोरेज बढ़ा रहे हैं, तो स्क्रीन को भी एटलीस्ट बढ़ाते, नहीं तो वही रखते, sRGB भी 100% आपको रखना चाहिए था। देखिए जिनकी भी कलर से ग्राफिक्स रिलेटेड
होते हैं जिन्हें फोटोशॉप पेज मेकर या कोरल ड्रॉ चाहिए होता है, उन्हें स्पेस भी चाहिए होता है, तो वो 1TB में आपको वहाँ आएगा। उन्हें स्पीड भी चाहिए होती है, वो Y7 मिलेगा, लेकिन आपको कलर की जो क्लैरिटी होगी वो आपको i5 में मिलेगी। इसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं है, तो जिनको हार्ड कोर गेमिंग करनी है, जिनको 4K एडिटिंग करनी है, वो ये लैपटॉप मत लीजिएगा। बाकी इसमें आप बेसिक गेमिंग और जो पुरानी गेमिंग GTA 5 वगैरह जो रन करते हैं वो इसमें इजीली चलेगी, क्योंकि इसमें इंटेल आइरिस एक्सी ग्राफिक्स है जो 350-330 MX के अप्रॉक्स ही इक्वल होता है। देखिए इसमें इंटेल आइरिस एक्सी ग्राफिक्स है, तो इसमें जो गेम्स होती हैं जैसे नीड फॉर स्पीड हो गई, GTA Vice City हो गई या GTA San Andreas हो गई, ये गेम्स आप इजीली इसमें प्ले कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं प्राइसिंग की, ये मार्केट में आपको अप्रॉक्सिमेटली 90,000 का मिल जाएगा। HP इसके साथ 1 ईयर की वारंटी देता है और टाइम टू टाइम अपग्रेड करने की ऑफर देता रहता है। अभी अप्रैल के अंदर बैक टू स्कूल ऑफर चल रही है, तो उसके अंदर भी आप डिस्काउंटेड रेट पे इसकी वारंटी एक्सटेंड करा सकते हैं। अगर आपको एक्सीडेंट डैमेज प्रोटेक्शन लेना है, हमारे एक व्यूअर ने पूछा था एक्सीडेंट डैमेज प्रोटेक्शन क्या होता है, मैं आपको ये भी बता दूं कि एक्सीडेंट डैमेज प्रोटेक्शन में अगर लैपटॉप डैमेज हो जाता है एक्सीडेंटली, तो भी HP उसकी वारंटी आपको देता है। जो सपोज करिए अगर आपकी स्क्रीन डैमेज हो जाती है, HP विदाउट एनी चार्ज अगर आपने एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन ले रखा है तो उसको रिप्लेस कर देता है। एक्सीडेंट डैमेज प्रोटेक्शन अलग से होती है, वो आप जब भी HP वर्ल्ड पे जाएंगे वहां पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होगा, आप उससे पूछ सकते हैं कि इसकी अगर मुझे एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन लेनी है तो उसके क्या चार्जेस है। HP 1 ईयर भी देता है, 2 ईयर भी, 3 ईयर भी, आप तीनों के चार्जेस आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। कुछ HP वर्ड्स के डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां पे जाके लैपटॉप देख के आप ले सकते हैं। वीडियो आपको कैसे लगी है हमें जरूर बताइएगा, अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मैं उनसे यही कहूंगा, हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए नए नए लैपटॉप्स को अनबॉक्स करना, फिर बैक पैनल को ओपन करना, इसलिए आपका एक एक सब्सक्रिप्शन एक एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे यही कहूंगा कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, आगे भी नए नए लैपटॉप्स की हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, जैसे ही आप वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।